नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल दुष्कर्म कांड को लेकर देश भर में भारी रोष के माहौल की। दरअसल डॉक्टरों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर गर्म सियासत की। तो देखिये हमारी खास पेशकश। पश्चिम बंगाल दुष्कर्म मामले को लेकर देश भर में रोष का माहौल है। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्जरी और लैब रेजिडेंट डॉक्टरों के द्वारा ही प्रमुख रूप से कामकाज देखा जाता है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स मंगलवार के दिन भी हड़ताल पर हैं। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित रखी हैं। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के डॉक्टर्स में भारी रोष है। इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए अस्पतालों में वैकल्पिक तैयारियां की गई थी, ताकि मरीजों को इलाज में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं और इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी सकोल पूरी जांच होनी चाहिए, इस मांग के लिए उसके फैमिली मेंबर्स को पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए और मुख्य कारण यह है कि उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र के और भारत के सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स साइट पर उतरे। जो हुआ वो प्रकरण में अभी तक के ना कल्प्रिट पकड़ा गया है, ना उसे जस्टिस मिला है, ना उसके लिए कोई फास्ट फॉरवर्ड सीबीआई कमेटी बैठी है। हम चाहते हैं वो जस्टिस हो और उसके फैमिली को भी कंपनसेशन मिले और ऑल ओवर इंडिया सबकी सेफ्टी के लिए सरकार कुछ तो लाए जिससे हम यहाँ पे सेफ फील करें, क्योंकि ये हमारा सेकंड होम है। जितना हम घर नहीं रहते उतना हम यहाँ रहते हैं। मैं जिस कॉलेज से एमबीबीएस किया है, मैंने जो विक्टिम है वो उस कॉलेज की थी, मेरे सीनियर थी वहाँ की। वो तो सारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से, हमारे तरफ से पहला मांग जो है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत बड़ा इंसिडेंस है ये। अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए इसके पहले 2012 में हुआ था निर्भया, वो तो आपको पब्लिक प्लेस में हुआ था ना, ये आपका हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। अब इंसान जाता है हॉस्पिटल सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए या आपका इलाज करवाने के लिए। अगर वहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंस हो सकता है तो धरती में कोई भी जगह सेफ नहीं है। अब आप लोग डिमांड कर रहे हैं नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। उस जगह मैं भी हो सकती थी, ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। उस जगह हमारे दोस्त हो सकते, कोई भी हो सकती है। पहले जब निर्भया केस हुआ, सब लोगों ने ये बोला उनको बस क्यों चढ़ना था। कोई बोलते हैं उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं तो इसलिए उनके साथ रेप हो रहा है। कोई बोल रहा है वो पार्टी कर रही है इसलिए उनके साथ रेप हो रहा है। आज एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी पर अगर रेस्ट करने गई है उसके साथ रेप हो रहा है तो हम कैसे समाज में है। ये इनफैक्ट सिर्फ डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा भारत देश आज हमारे साथ होना चाहिए। तो हम प्लीड करते हैं कि पूरा इंडिया हमारे साथ आज खड़े रहे। हम लोग की नाइट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल की मेल की, ऐसा उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है कि मेल्स की ज़्यादा लगेगी नाइट, फीमेल की कम लगेगी। तो हम यहाँ पे आते हैं रात को, तो हमें एटलीस्ट हमें सेफ्टी तो प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हैं फिर वो हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनके लिए ड्यूटी करें। तो हमारी बहुत ही बेसिक मांग है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग से डिमांड कर रहे हैं। जो सब सिटीजन का, कोई अपने ऑफिस में कहीं लॉयर है तो वो भी अपनी जगह पर सेफ्टी डिमांड करेगा। हम भी अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, बस सेफ्टी ही डिमांड कर रहे हैं हम। जो हमारा राइट है वही डिमांड करनी पड़ रही है हमें, तो इसके लिए हम प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की 6 मांगे। मामले को बिना देरी किए तुरंत सीबीआई के हवाले किया जाए। प्रिंसिपल के साथ साथ एमएस और अल्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। केंद्र सरकार से लिखित में यह आश्वासन मिले कि डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा।
मृतक डॉक्टर के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग या लाइब्रेरी का नाम किया जाए। डॉक्टर के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। शारीरिक हमले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के मद्देनजर बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिसके कारण दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों के ओपीडी में आने वाले मरीजों को सोमवार को बिना चिकित्सीय परामर्श के लौटना पड़ा। दिल्ली के कई अस्पतालों में आज भी हड़ताल है। कल की तरह आज भी मरीजों को इलाज के लिए दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। मरीज और उनके परिजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों से सुबह 5 बजे से ही कतार में लगने के लिए आ गए थे, लेकिन डॉक्टर्स के हड़ताल के चलते उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। बता दें कि एम्स अस्पताल में लगभग 3000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इससे पहले एम्स अस्पताल में रविवार शाम को कैंडल मार्च निकाला गया था। एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले की सीबीआई जांच की जाए, डॉक्टर के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि डॉक्टर पर हो रहे हमले को रोका जा सके। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हमारी सब मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इसी तरह हड़ताल को जारी रखेंगे। हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि हमारी इस लड़ाई में वो भी हिस्सा ले ताकि एक महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल सके। तो वहीं केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत में सहमति भी नहीं बन पाई। एम्स सफदरगंज आरएमएल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। लोकनायक जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में हड़ताल। हड़ताल से ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद एक बार फिर निर्भया गैंगरेप की यादें ताजा हो गई, क्योंकि कोलकाता केस में भी दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। आखिर हुआ क्या था घटना वाले दिन, ये भी जान लेते हैं। 9 अगस्त को क्या हुआ, कोलकाता का सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला। हॉस्पिटल कोलकाता शहर के लाल बाजार में स्थित है। जूनियर डॉक्टर गुरुवार को हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही थी। रात करीब 2 बजे अपनी टीम के कुछ डॉक्टर्स के साथ डिनर किया, फिर वो सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली गई। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। सुबह 6 बजे वो अर्धनग्न और मृत अवस्था में मिली। शरीर पर दिखे चोट के निशान। रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। ब्लूटूथ से खुला मामला। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखा। सुबह के करीब 4 बजे थे, उसके कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वो हॉल से बाहर आया तो ईयरफोन नहीं था। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन से खुलासा किया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूली। वहीं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शारदा प्रसाद ने कहा कि घटना के विरोध में FORDA ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हम लोग चाहते हैं कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में पारदर्शी तरीके से जांच हो, बाकी आरोपी जल्दी पकड़े जाए, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्पेशल डेस्क, K News India।